हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की लाइंस एंड एंगल्स की, और एक्सरसाइज होगी 10.3 और लेवल होगा 1। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इन फिगर 10.56 लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट O, फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन इन द फिगर। इफ x इज इक्वल टू 45 डिग्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ yz एंड u। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो x का वैल्यू आपको गिवन है, x इज इक्वल टू 45 डिग्री है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं इसको सॉल्व करना। जैसा आप देख सकते हैं, यह है फिगर आपकी 10.56, x का वैल्यू है 45 डिग्री। तो z का वैल्यू भी आपका x के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा? उसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, जब भी आपकी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला, ठीक है, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया x और इसको दे दिया y, तो x विल बी इक्वल टू y, और यहां पर ये जो एंगल है इसको मैंने नाम दे दिया a और इसको दे दिया b, तो a शुड बी इक्वल टू b, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस रूल को हम यूज करेंगे, ठीक है। अगर x यहां पर जैसे आप देख सकते हैं 45 गिवन है, तो z का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 45, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं y और u का वैल्यू। तो यहां पर जैसे L1 आपका लाइन है, ठीक है, तो यहां पर दो एंगल फॉर्म होते हैं, एक z है और एक u है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है z और u दोनों एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं z प्लस u इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होंगे? क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। L1 आपकी एक लाइन है, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर z का वैल्यू आपको मालूम है, हमने यहां पर फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो ये 45 आप यहां पर लिख दोगे, u इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से u का वैल्यू आ जाएगा आपका 135 डिग्री, ठीक है। और जैसे ही आपका u का वैल्यू आ गया 135 डिग्री, तो आप जानते हैं दोबारा से वर्टिकली अपोजिट एंगल आप यहां पर यूज करेंगे, तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। तो इस तरीके से हमने सभी एंगल्स को फाइंड कर लिया है। y का वैल्यू आपके पास है 135 डिग्री, z का वैल्यू है 45 डिग्री, और u का वैल्यू है 135 डिग्री। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन फिगर 10.57 थ्री कोप्लानर लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड u। तो ये है आपकी फिगर नंबर 10.57। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एंगल्स आपको गिवन है, ये एंगल आपका फॉर्म होता है 90 डिग्री, और ये वाला आपका एंगल है 50 डिग्री। तो वंस अगेन आपको यहाँ पर यूज करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला रूल, ठीक है। तो अगर ये 90 है आपका, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी आपका 90 डिग्री होगा ही होगा, है ना। और ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री है, तो एंगल वाई भी आपका क्या होगा, 50 डिग्री होगा ही होगा, है ना। तो Z का वैल्यू हमारे पास आ गया 90 डिग्री, और यहाँ पर Y का वैल्यू आ गया आपके पास 50 डिग्री, और दोनों ही किस रूल से आए हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ पर आपको लाइन देखना है AB, ठीक है। इस लाइन के ऊपर तीन एंगल हैं, X, Y और Z, तीनों को अगर मैं ऐड करूँ तो दिस विल गिव यू 180 डिग्री, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये होगा लीनियर पेयर की हेल्प से। कैसे होगा? अगर मैं मान लूँ ये पूरा का पूरा एंगल, ठीक है, ये एक एंगल है आपका, ठीक है, दोनों का सम हो जाएगा आपका 140 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, बोथ एंगल्स आर फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो यहाँ पर आप लिखोगे y का वैल्यू, ठीक है, y का वैल्यू आपको मालूम है 50 डिग्री है, और z का वैल्यू आपका है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका
140 डिग्री, यहां से x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो जैसे ही आपको x का वैल्यू मालूम चल गया, x का वैल्यू यहां पर आपको पता चल चुका है कि 40 डिग्री है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, यानी कि u, u भी कैसा होगा, 40 डिग्री होगा, है ना, इट्स क्वाइट इजी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू u, दैट मीन्स u आपका आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास चारों एंगल आ चुके हैं, z आप यहां पर निकाल चुके हैं, ठीक है, z निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, x आपने यहां से निकाल लिया, ठीक है, और u आपने यहां से फाइंड कर लिया, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। इन फिगर 10.58 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन टू और क्वेश्चन वन की तरह बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हैं यहां पर एक एंगल आपको गिवन है, एंगल 25। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसके जस्ट अपोजिट में जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। और एक लाइन पर आपको क्या लेना है, लीनियर पेयर फॉर्म करना है, ठीक है। जैसे ही आप लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो वहां से दूसरा एंगल भी आपका निकल जाएगा, है ना। यहां से आप बोल सकते हैं कि ये एंगल आपका 25 डिग्री होगा। तो यहां पर y का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, और y प्लस एक्स अगर हम करते हैं तो यहां से हम बोल सकते हैं 180 डिग्री, दैट मीन्स ये एक लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो y का वैल्यू आपको मालूम है 25 डिग्री, x का वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो जैसे ही आपके पास x का वैल्यू आता है उसके बाद आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू z, ठीक है, x और z आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो चलिए आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि x और z का वैल्यू क्या आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। इन फिगर 10.59 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये है आपकी फिगर नंबर 10.59। तो जैसे हमने अभी एक रूल पढ़ा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, बहुत आसान सा रूल है, बहुत ही सिंपल है। तो यहां पर भी उसको आपको अप्लाई करना है, है ना। कैसे करेंगे अप्लाई, जैसे ये 5x है, ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी आपका 5x होगा, गॉट माई पॉइंट। ये आपका 2x है, तो इसके जस्ट अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी आपका 2x होगा, ठीक है। अगर ये 3x है तो इसके भी जस्ट अपोजिट में एंगल क्या होगा, 3x होगा, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक लीनियर पेयर फॉर्म कर लेना है। लीनियर पेयर कैसे फॉर्म करोगे, बहुत आसान है। एक लाइन आपको यहां पर चूज करनी है, सिलेक्ट करनी है। तो जैसे मैंने सीडी लाइन को सिलेक्ट कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, इस पर जो एंगल बनता है, जैसे 3x प्लस 5x प्लस 2x, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका एक लाइन है, ठीक है। तो इसके यहां पर जो एंगल बन रहे हैं, यानी 3x प्लस 5x प्लस 2x, इन सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर इन सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर x का वैल्यू आ जाएगा आपका 180 डिवाइडेड बाय 10, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका बचेगा 18 डिग्री, यानी कि x का जो वैल्यू है वो आएगा आपका 18 डिग्री। और यहां पर सिर्फ आपको निकालना था x का वैल्यू, तो वो हम यहां पर निकाल चुके हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इफ वन ऑफ द फोर एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज राइट एंगल, देन शो दैट ईच ऑफ द फोर एंगल्स इज अ राइट एंगल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर जो स्टेटमेंट गिवन है, इफ वन ऑफ द फोर एंगल्स, यानी कि चार एंगल्स में से कोई एक एंगल आपका ऐसा है जो आपका 90 डिग्री है, ठीक है, दो लाइन है आपकी, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि दो लाइन है और इन सभी चार एंगल में से एक आपका 90 डिग्री एंगल है, है ना, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम क्या बोल सकते हैं, उस रूल से, कि ये एंगल भी आपका कैसा होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और फिर बाद में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, ये तो पहला स्टेप हो गया कि आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल वाले रूल से बोल दिया कि ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है शो दैट ईच ऑफ द फोर एंगल्स इज अ राइट एंगल, यानी कि चारों एंगल आपके 90 डिग्री हैं, यानी कि ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है, ये एंगल भी और ये एंगल भी,
ठीक है, और ये तो आपका गिवन है, तो ये वाला आपने बता दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ये वाला कैसे बताओगे, लीनियर पेयर से, बहुत आसान है ना। अब क्या करोगे, इस एंगल को और इस एंगल को आप सम करोगे, ठीक है। मान लो ये वाला एंगल है आपका एक्स, तो ये वाला एंगल तो आपका हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है, 90 डिग्री। ये वाला कैसे होगा, आप क्या करोगे, एक्स प्लस 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने ऐड किया है और इस वाले एंगल को ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी एक लाइन है, मान लो ये L1 आपकी लाइन है और ये आपकी L2 लाइन है, तो यहाँ पर इन दोनों एंगल को हमने ऐड कर दिया और बोल दिया कि ये होंगे आपके 180 डिग्री के बराबर। क्यों, आपके लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, है ना। और यहाँ पर सेंटर मान लिया हमने O, कितना आसान है, एक्स का वैल्यू आपका 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर x का वैल्यू 90 डिग्री आ गया तो इसके भी वर्टिकली अपोजिट में जो भी एंगल बनता है वो भी आपका 90 डिग्री होगा, है ना। तो इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया कि चारों के चारों एंगल आपके 90 डिग्री ही होंगे। अब यहाँ पर आप नेमिंग कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने यहाँ पर L1 बोल दिया इस लाइन को, इसको बोल दिया L2, और यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम दे दिया O, और ये जो एंगल्स हैं इनको आप डिफरेंट डिफरेंट नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया X, इसको बोल सकते हैं वाई, इसको बोल सकते हैं जेड। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने क्लास 9 की एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये वाला एंगल आपका यू है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यू इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि आपने चारों एंगल्स को प्रूव कर दिया कि ये सभी एंगल आपके 90 डिग्री हैं।